भगवान श्री कृष्ण को महाभारत का महानायक कहा जाता है। शायद यही कारण है कि महाभारत युद्ध का दोनों पक्ष श्री कृष्ण का बराबर मात्रा में आदर किया करते थे। चाहे वो कौरव हो या पांडव, सब श्री कृष्ण का सम्मान करते थे और उनके मूल्य को समझते थे। भले ही दुर्योधन ने कुबुद्धिवश श्री कृष्ण को बंदी बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन महाभारत के युद्ध में वो भी श्री कृष्ण का महत्व समझता था। इसलिए महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन श्री कृष्ण के पास अपने समर्थन का प्रस्ताव लेकर गया था। दुर्योधन का साथ दे रहे अंगराज कर्ण और शकुनी भी श्री कृष्ण का सदा सम्मान करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो श्री कृष्ण से जरा भी नहीं डरता था। उसे भगवान श्री कृष्ण का जरा भी भय नहीं था और वो श्री कृष्ण का सम्मान भी नहीं करता था। श्री कृष्ण से दुश्मनी के कारण उसने युद्ध में कौरवों का साथ दिया और अर्जुन से युद्ध करते हुए श्री कृष्ण पर एक बड़ा ही भयंकर दिव्यास्त्र चला दिया। तो आखिर कौन था वो योद्धा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाभारत की कहानी में ऐसे कम ही योद्धा हुए जिन्होंने गांडीवधारी अर्जुन को पूरी टक्कर दी थी। महाभारत के उन्हीं योद्धाओं में से एक था भगदत्त, जिसने ना सिर्फ अर्जुन को टक्कर दी बल्कि उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण पर भी प्रहार किया। उसने श्री कृष्ण पर कोई छोटे अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि भगदत्त ने श्री कृष्ण पर वैष्णवास्त्र जैसे भयानक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था। महाभारत युद्ध से पहले जितनी भी बार अर्जुन और भगदत्त लड़े, उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। महाभारत के युद्ध से पहले भी इनकी एक बार टक्कर हो चुकी थी, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया था। तब भगदत्त ने यज्ञ के घोड़े को रोक अर्जुन को ललकारा। तब अर्जुन और भगदत्त के बीच इतना गहन युद्ध हुआ कि युद्ध को समाप्त करने स्वयं भगवान इंद्र को आना पड़ा। लेकिन महाभारत युद्ध के 12वें दिन का युद्ध निर्णायक युद्ध था। उस दिन ना तो अर्जुन हार मान रहे थे और ना ही भगदत्त हारना चाहता था। उस दिन अर्जुन को हराने के लिए भगदत्त ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। जिसके बाद क्रोध में आकर भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग कर दिया। वैष्णवास्त्र को सभी दिव्यास्त्रों में सबसे घातक माना जाता है, जिसका प्रयोग पूरी पृथ्वी को खत्म करने की क्षमता रखता है। साक्षात भगवान विष्णु का अस्त्र वैष्णवास्त्र कभी भी विफल नहीं होता और किसी अन्य दिव्यास्त्र से उसका सामना नहीं किया जा सकता। इसलिए उस दिन अर्जुन समेत पूरे पांडवों को बचाने की जिम्मेदारी स्वयं श्री कृष्ण ने उठाई और भगदत्त द्वारा चलाए गए वैष्णवास्त्र को अपने सीने पर झेल लिया, जिसे देख वहां मौजूद हर योद्धा सहम गया। तभी श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अपने एक तीर के अनुसंधान से भगदत्त के आंखों की पट्टी फोड़ दी और अपने अगले प्रहार से भगदत्त का अंत कर दिया। भगदत्त को अंधा करके ही मारा जा सकता था। आंखों के साथ भगदत्त को हराना मुश्किल था और श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण की सूझबूझ और अर्जुन की वीरता ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक और कौरव योद्धा का अंत कर दिया। महाभारत के उन अनंत वीरों में भगदत्त भी एक अन्य वीर योद्धा था। भगदत्त ने भले ही श्री कृष्ण पर जानबूझकर दिव्यास्त्र का प्रयोग ना किया हो, लेकिन वो श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानता था। नरकासुर का पुत्र भगदत्त अपने रण कौशल से कुरुक्षेत्र पर तबाही मचाने वाला एक महापराक्रमी कौरव योद्धा था। भगदत्त से युद्ध करना बड़े से बड़े पांडव योद्धाओं के बस की बात नहीं थी। रणभूमि पर वो किसी भयावह सांप की तरह पांडव सेना को निगलता चला जा रहा था। भीमसेन, अर्जुन और सात्यकी जैसे परम वीर पांडव योद्धा भी
भगदत्त के आगे विवश हो गए। भीम में असंख्य हाथियों का बल था और उन्होंने ना जाने कितने हाथियों का दमन भी किया था, लेकिन भगदत्त के सौप्तिक नामक विशालकाय हाथी से पार पाना भीमसेन के भी बस की बात नहीं थी। इंद्र ने जिस ऐरावत हाथी के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई थी, उसी के वंश में उत्पन्न उस सौप्तिक नामक हाथी पर सवार हो भगदत्त ने भीमसेन पर चढ़ाई कर दी। वो हाथी अपने दोनों पैरों और सूंड से भीमसेन पर प्रहार करने लगा और उससे बचने के लिए भीम इधर उधर भागने लगे। हाथी और भीमसेन दोनों क्रोध में थे और एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए बेचैन थे। शायद जीवन में पहली बार भीम का सामना ऐसे हाथी से हुआ था जो उन पर भारी पड़ रहा था। अंत में भीम ने उस हाथी को चकमा दे दिया और वे उसी के शरीर में छुप गए। जैसे ही उस हाथी का ध्यान भटका, भीमसेन वहां से भाग खड़े हुए। कौरव योद्धा भगदत्त नरकासुर का पुत्र था, जिसने देवासुर संग्राम में असुरों का साथ दिया था। नरकासुर इंद्रदेव को अपना शत्रु मानता था और उसने इंद्र के कवच कुंडल भी छीन लिए थे। इस प्रकार नरकासुर देवताओं के वश से बाहर हो गया और देवताओं पर हावी होने लगा। देवराज इंद्र ने नरकासुर के दुष्कर्मों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण की सहायता मांगी। नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था और इसमें उनकी सहायता सत्यभामा ने भी की थी। दोस्तों, नरकासुर प्राग ज्योतिष राज्य का सम्राट था। प्राग ज्योतिष आज के समय का आसाम राज्य है। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त प्राग ज्योतिष राज्य का राजा बना। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, तब उन्होंने भगदत्त को उसकी माता भूमि देवी के कहने पर जीवन दान दिया था। नरकासुर के समान ही भगदत्त भी बड़ा ही शक्तिशाली था। उसको अपने पिता से ही शक्ति और वैष्णव अस्त्र प्राप्त हुए थे, लेकिन वो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था और हर निर्णय बुद्धि के बल पर ही लिया करता था। शायद यही कारण था कि उसके देवराज इंद्र से अच्छे संबंध थे। तो यदि आपको भगदत्त की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।